पिछले कुछ वक्त से काफ़ी सवाल उठ रहे थे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर। उन सभी सवालों के जवाब आज दे दिए हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर। कल तो यहाँ तक कहा गया कि जयंत चौधरी ने एक ट्वीट तक नहीं किया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के लिए, जबकि प्रधानमंत्री ने किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन जयंत चौधरी ने नहीं किया। मतलब इनका गठबंधन नहीं होने वाला है। वो और बात है कि जयंत चौधरी ट्वीट करने में ज़्यादा यकीन नहीं रखते, उन्होंने फ़ोन करके जन्मदिन की बधाई दे दी, जो ज़्यादा मायने रखता है। आज जयंत चौधरी अखिलेश यादव दोनों साथ थे, दोनों साथ में मिले और अखिलेश यादव के दिल्ली स्थित आवास पर जयंत चौधरी थे। यहाँ पर कहा जा रहा है गठबंधन का फॉर्मूला लॉक हो गया है और इस गठबंधन के फॉर्मूले में जो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो चौंका देंगी आपको, उसमें एक चीज़ तो ये है कि आरएलडी की 3 सीटें ऐसी होंगी जिस पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे गठबंधन में ये कौन सा फॉर्मूला है। दरअसल में मुजफ्फरनगर और शामली, यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पर दोनों पार्टियाँ आपस में नहीं मान रही थी एक दूसरे की। अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों समझदार हैं तो इन दोनों जिले की कुछ सीटें ऐसी होगी जहाँ पर जयंत चौधरी को चाहिए था अपना सिंबल कि भाई यहाँ पर नलका चुनाव पे ही वोट मिलेंगी, ज़्यादा आपके चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं मिलेंगी। और कुछ लोग ऐसे थे समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर पक्के उम्मीदवार थे और अखिलेश उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के कुछ बड़ा चेहरा थे। तो ऐसे में एक डील हुई कि 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल की ऐसी होगी जहां पर चुनाव चिन्ह तो आरएलडी का होगा लेकिन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी की भी ऐसी होंगी गाजियाबाद जिले में और मथुरा जिले में, जहाँ पर चुनाव चिन्ह तो समाजवादी पार्टी का होगा और उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल देगी। कुल मिला के कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव तो 20-22 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार ही नहीं थे लेकिन जयंत चौधरी अड़ गए। जयंत ने साफ कह दिया था कि देखिए 35-40 सीटों से नीचे हमारा चुनाव लड़ना बनता नहीं है, वैसे तो हमें 50 लेनी है लेकिन क्योंकि बदलाव की बात है, बदलाव लाना है उत्तर प्रदेश में, किसानों की हालत ख़राब है, इसीलिए हम भी समझौते को तैयार हैं लेकिन थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। फिर दोनों नेता समझदार हैं, दोनों नेताओं ने मिलकर समझौता किया। 10-12 सीट अखिलेश यादव ऊपर आए हैं, 5-6 सीट जयंत चौधरी नीचे गए हैं। जो इनिशियली जयंत चौधरी ने मांगी थी, कहा गया था कि 44-45 सीटें जयंत चौधरी मांग रहे थे, वो 46 सीटें तो मांग ही रहे थे जो 2012 का उनका फॉर्मूला था कांग्रेस के साथ, और बिल्कुल वही सीटें मांगी थी जो कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़े थे 2012 में, उनमें से 9 सीटें जीती थी। लेकिन हालात बदल रहे हैं, उसके बाद आरएलडी 2014, 2019, 2017 के विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में हार चुकी है, तो थोड़ा जयंत चौधरी को भी झुकना पड़ा, थोड़ा अखिलेश यादव को भी झुकना पड़ा और अंत में 36 सीटों पर गठबंधन का फॉर्मूला लॉक हो गया है। आप इस गठबंधन के बारे में क्या मानते हैं? ऐसा माना जा रहा है कि बागपत में तो 1 भी सीट पर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, मुजफ्फरनगर में 50-50 पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी, गाज़ियाबाद में ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी, अलीगढ़ मथुरा यहां पर भी 50-50 सीटें होंगी। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोकदल को अच्छी खासी भागीदारी मिल गई है जितनी उसके कार्यकर्ता को चाहिए थी, और अंत में मसला सीट का नहीं है, मसला राष्ट्रीय लोकदल की खोई हुई जमीन पाने का है और इस चुनाव से अच्छा मौका हो ही नहीं सकता आरएलडी के कार्यकर्ता के लिए। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसे लगता है इन 36 में से कम 12 विधायक आरएलडी आसानी से जिता लेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।